हूं आपका अपना देवेंद्र सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। तो आज मैं फिर आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूं प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर। लास्ट वीक भी मैंने ये प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो मैं ये हर वीक में बनाता हूँ ये वीडियो। तो चलो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं ऑलरेडी जो canada.ca जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा की, उसके चेक प्रोसेसिंग टाइम इसके वेब पेज के ऊपर हूँ। तो ये सारा मैंने डाटा ऑलरेडी फिल किया हुआ है, जैसे टेम्प्रेरी रेजिडेंस, विजिटिंग, स्टडिंग, वर्किंग, जो एप्लीकेशन टाइप है, और उसके बाद जो है जो विच टाइप ऑफ मीन्स विच टेम्प्रेरी रेजिडेंस एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी फिल किया, विजिटर वीजा फ्रॉम आउटसाइड कैनेडा, और मैंने अपने होम कंट्री को इसमें फिल किया इंडिया। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जो विजिटर वीजा फ्रॉम आउटसाइड कैनेडा इंडिया से जो उसके लिए प्रोसेसिंग टाइम है 149 डेज आ रहा है। ये जो प्रोसेसिंग टाइम था लास्ट वीक 154 डेज था, तो इसमें 5 दिन की कमी आई है। जैसे मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि ये प्रोसेसिंग टाइम नीचे आएगा धीरे धीरे और भी नीचे आएगा, तो उसी अनुमान के मुताबिक आज ये प्रोसेसिंग टाइम 5 दिन और कम हो गया और 149 डेज पे पहुंच गया। ये जो अपडेट आई है ये 20 दिसंबर 2022 यानी कि 20 दिसंबर 2022 को आई है। तो अब हम देख सकते हैं कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो धीरे धीरे कम हो रहा है विजिटर वीजा का, तो ये बहुत अच्छा संकेत है और ये बहुत अच्छा टाइम है आपका आपको विजिटर वीजा के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। तो चलो अब हम चलते हैं, देखते हैं वर्क परमिट के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ इस स्क्रीन पे कि ये जो इस वीक में जो वर्क परमिट फ्रॉम आउटसाइड कैनेडा इंडिया से जो उसका टाइम है 10 वीक्स लग रहा है। ये जो पिछले वीक था ये 8 वीक्स था, जो इसमें वो बहुत नीचे चला गया था उसका टाइम वर्क परमिट का, और क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपनी वर्क परमिट की फाइल लगाई थी, स्पाउस ओपन वर्क परमिट की भी फाइल लोग अब लगा रहे हैं, धड़ाधड़ लगा रहे हैं, क्योंकि जो वर्क परमिट का टाइम है वो बहुत कम हो गया है और बहुत तेज जो वर्क परमिट की फाइलें हैं प्रोसेस हो रही हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जो लोग भी जिन लोगों ने भी पीछे अपनी वर्क परमिट की फाइल्स लगाई थी उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अच्छा रिजल्ट मतलब उनको वर्क परमिट मिल गया और वो उससे क्या है कि जो और भी लोगों को एनकरेजमेंट मिल रही है वो भी वर्क परमिट की फाइलें लगा रहे हैं। तो इसमें जो है 2 वीक्स की बढ़ोतरी हो गई है, 2 वीक्स जो है ये प्रोसेसिंग टाइम बढ़ गया है, क्योंकि जैसे जैसे ही वर्क परमिट का जैसे किसी भी वीजा का प्रोसेसिंग टाइम कम होता है तो उससे क्या है कि लोग उससे एक्साइटेड होके और ज़्यादा फाइल लगाते हैं, तो इसके कारण ही ये जो है फिर थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाता है। तो 2 वीक्स की जो चेंज आया ये कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, ये बिल्कुल कॉन्स्टेंट ही है। 8 वीक्स और 10 वीक्स में कोई इतना ज़्यादा अंतर नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट उतना ही चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, अभी भी बहुत अच्छा टाइम है वर्क परमिट की अपनी एप्लीकेशन लगाने के लिए। जो लोग भी अभी वेट कर रहे हैं वो उनको अपनी वर्क परमिट की एप्लीकेशन अभी लगा देनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा टाइम है, सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम है और रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसलिए जो मेरी राय है कि इस वक्त आपको अपनी वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगानी चाहिए। तो इसके बाद हम चलते हैं वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड कैनेडा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना चल रहा है, वो हम इस पेज पे ऑलरेडी आ गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि अगर आप कैनेडा से वर्क परमिट का अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसका जो टाइम है 167 डेज आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। ये पिछले वीक भी 167 डेज था, ये कॉन्स्टेंट रहा है एप्लीकेशन का जो प्रोसेस होने का टाइम है, इसमें कोई अंतर नहीं आया और ये बहुत अच्छी खबर है। अगर कोई अंतर नहीं आता ये भी बहुत अच्छी खबर होती है, इससे पता लगता है कि जो एम्बेसी है वो पूरी फुल स्पीड पे काम कर रही है, वो मतलब प्रोसेसिंग टाइम को बढ़ने नहीं दे रही, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। तो इसके बाद जो पेपर एप्लीकेशन का जो टाइम है वो 75 डेज आ रहा है, जो लास्ट वीक 78 डेज था इसमें 3 दिन की कमी आई है। तो ये सारे जो संकेत है ये सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा खुश होना चाहिए कि जो कनाडा की एम्बेसी अब पूरी तरह खुल गई है और वो उनके सारे जो ऑफिसर थे अब वो वापस आ चुके हैं और अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। तो इसके कारण जो है प्रोसेसिंग टाइम कम हो गया और फाइलें जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो रही। पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि कल जो है वो क्रिसमस डे है और न्यू ईयर की छुट्टियाँ भी आ रही हैं, तो उसके कारण जो प्रोसेसिंग टाइम है थोड़ा ऊपर जा सकता है, क्योंकि छुट्टियों के वक्त क्या है कि थोड़े जो ऑफिसर हैं वो छुट्टी पे चले जाते हैं। क्या होता है कि क्रिसमस का टाइम और न्यू ईयर के टाइम पे क्या होता है, जो ऑफिसर हैं वो वेकेशन पे चले जाते हैं, छुट्टियों पे चले जाते हैं, उसके कारण क्या है कि जो प्रोसेसिंग टाइम में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, ये प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा बढ़ भी सकता है। तो उसकी भी कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि
जो ये सिर्फ टेम्पररी जो है फर्क पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा लॉन्ग टर्म इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि छुट्टियां थोड़े दिन की है, उसके बाद फिर जो है नॉर्मल हो जाएगा प्रोसेस और आपकी फाइल्स उसी स्पीड पे प्रोसेस होनी शुरू हो जाएंगी। तो हम वापस चलते हैं कनाडा टूरिस्ट वीजा की जो फाइल्स हैं उसको कितना टाइम लग रहा है। हम देख रहे हैं कि 149 डेज लग रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी खुशी की खबर है और आप अपनी फाइल्स इजीली लगा सकते हैं और अपना जो आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि चाहे प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा पर उसके बाद फिर ये नीचे आना शुरू हो जाएगा और जो आपकी फाइल्स हैं बिल्कुल फुल स्पीड पे प्रोसेस होगी और जो रिजल्ट है बड़ी जल्दी आएंगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की संभावना है। इस वीडियो में ये भी बताना चाहता हूँ केप नोट्स के बारे में। जैसे जो भी केप नोट्स लोगों ने अप्लाई किए उनका जो रिजल्ट है वो बहुत डिले के बाद आ रहा है, बड़ी देर के बाद आ रहा है। देखो यहाँ तक कि दो दो तीन तीन महीने हो गए हैं लोगों ने केप नोट्स अप्लाई किए हैं तो उनका जो रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उसमें बहुत ज्यादा डिले चल रहा है। तो इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है, हो सकता है कुछ एम्बेसी की या IRCC है वो उसको कुछ इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या कि या ये भी हो सकता है कि फाइलें बहुत ज्यादा लगी हों या बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं केस नोट की, उसके कारण थोड़ा डिले आ रहा है। तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, वो भी जल्दी से जल्दी उसको वो क्लियर करेंगे और रिजल्ट्स बहुत जल्दी हमारे पास आएंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको नई बातों का पता लगा होगा, आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है कोई डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो और उनको इस वीडियो से ज़्यादा फायदा हो सके। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है और इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, आपके मन में क्वेश्चन है, तो जो इस वीडियो के ऊपर जो मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप फोन करके मेरे से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी कनाडा टूरिस्ट वीजा की फाइल, ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा की फाइल या किसी भी कंट्री की टूरिस्ट वीजा की फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को इस फोन नंबर पे कॉन्टेक्ट करके मेरे से अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस में आ सकते हैं और अपनी फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं, मैं आपकी फाइल बनाने में पूरी मदद करूंगा। इसके अलावा अगर आप मेरे ऑफिस में नहीं आ सकते तो आप मेरे से अपनी फाइल ऑनलाइन भी अप्लाई करवा सकते हैं, मेरे को अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भेज सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आप मेरे को अपने जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भेज के अपनी फाइल बनवा के अप्लाई करवा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिए, मैं उसका आंसर भी आपको जरूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं, किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफर से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफर के द्वारा भेज सकते हैं और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीजा की फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसके आप उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीजा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।
news।